सरकार की तरफ से जारी किए गए ऑफलाइन परीक्षा के आदेशों का छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब उनकी ऑफलाइन पढ़ाई ही नहीं हुई तो सरकार ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रही है, जिसको लेकर छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र के पहवा में राजकीय महाविद्यालय में भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी कक्षाएं ऑनलाइन लगी हैं और बहुत सी जगहों पर नेटवर्क के चलते सुचारू रूप से कक्षाएं भी नहीं लग पाई हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई और यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन परीक्षा की एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा की एडवाइजरी जारी कर दी है, जो गलत है। जैसे केएलयू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऑफलाइन एग्जाम हो, हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। अगर टीचरों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। जैसे डीयू यूनिवर्सिटी भी दूसरी यूनिवर्सिटियों ने अलाउ कर दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो केयू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं अलाउ कर रही कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। हमें हमारी सभी बच्चों की यही रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, हम ऑफलाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। हमारे एग्जाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शेड्यूल जारी किया है कि पेपर हैं वो ऑफलाइन मोड पे होंगे। तो इससे पहले यूनिवर्सिटी ने भी अपनी मीटिंग की है और ऑफलाइन एग्जाम कराने का डिसीजन लिया है। तो बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं कि भी हमारी डिमांड यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेजी जाए कि हमारे एग्जाम है वो ऑनलाइन किए जाए। तो जो ज्ञापन इन्होंने दिया है, हम विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेज रहे हैं ताकि इनकी डिमांड पर पॉजिटिवली विचार किया जाए। आपको बता दें कि ऑफलाइन परीक्षा के चलते छात्रों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और छात्र सरकार से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे ऑफलाइन परीक्षा का पुरजोर विरोध करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इन छात्रों की बातों को मानता है या फिर ये छात्र ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।